हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार शाही मैगी। जब घर में सिर्फ मैगी हो और खाने का कुछ स्पेशल मन करे तो आप इस रेसिपी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएं। इसके लिए 3 स्लाइस मैगी लेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और पैन में 1 स्पून घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें 4 से 5 दाने काजू ऐड करेंगे और 4 से 5 दाने बादाम के, और इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। इन्हें हम रोस्ट करेंगे। अब ये हमारे काजू और बादाम बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, कलर भी गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे हीट होने देंगे। ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें चॉप्ड किए हुए 2 ग्रीन चिली डालेंगे और इसे भुनेंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, जिसको मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये हमारा 100 ग्राम पनीर है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तब हम इसे निकालेंगे। अब हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका बहुत ही सुंदर कलर आया है, तो इसलिए हमें पनीर को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसे निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा फ्राई हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हमें फ्राई करना है। अब हम पैन में शिमला मिर्च डालेंगे और इसे 2 मिनट तक भुनेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे और इसे भी भुनेंगे। तो ये हमारा थोड़ा भुन चुका है, अब हम इसमें चॉप्ड किए हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अब ये हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून पास्ता मसाला डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसके साथ फ्री मिला हुआ मैगी मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे और इन सभी मिक्सचर को इसमें अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से मैगी को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और इसे भी बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक बटर का टुकड़ा डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे, और इसे मिक्स करते रहेंगे, तो इससे हमारा बटर जल्दी मेल्ट होगा और मैगी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अब ये हमारी मैगी बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिला देंगे। अब हम मैगी की प्लेटिंग करेंगे, तो इसमें हम टोमेटो सॉस ऐड कर रहे हैं और इसमें इमली सॉस भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा यमी लुक आता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसको हमने रोस्ट किया था। तो ये जो हमारे भुने हुए काजू और बादाम है, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है, और इसे हम इसमें इस तरह से गार्निश करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये हमारा बहुत ही जायकेदार स्पेशल शाही मसाला मैगी रेसिपी तैयार है, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।